पंजलिस कुकिंग के दिवाली सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीखा और चटपटा पोहे का चिवड़ा। आप सोचेंगे इस रेसिपी में ऐसा क्या खास है, तो साबुत धनिये से लेकर नमक तक सारी चीजों के करेक्ट मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से ये चिवड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा। और साथ ही में हम इसमें दो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, जिनकी वजह से ये एकदम चटपटा भी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। चिवड़ा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1/2 किलो पतले पोहे, 1/2 कप बरिस्ता यानी बिरयानी के लिए जो सूखी प्याज फ्राई करते हैं वो प्याज लेनी है। ये इस डिश का पहला स्पेशल इंग्रेडिएंट है। ये प्याज फ्राई करने के बाद कुरकुरी और थोड़ी सी मीठी बनती है, जिसकी वजह से चिवड़े को एक बेहतरीन टेस्ट आती है। मूंगफली के दाने 2 टेबलस्पून, सूखे नारियल के पतले पीसेस 2 टेबलस्पून, कैशूज 1 टेबलस्पून, 5 से 6 हरी मिर्च या फिर स्वादानुसार, साबुत धनिया 1/2 टेबलस्पून, जीरा 1/2 टेबलस्पून, सफेद तिल 1/2 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, शक्कर 1/2 टेबलस्पून, साइट्रिक एसिड 2 चुटकी। ये है इस रेसिपी का दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट। साइट्रिक एसिड की जो थोड़ी सी खट्टी टेस्ट आती है, उस वजह से चिवड़े की टेस्ट लाजवाब बनती है। थोड़े से कड़ी पत्ते और 4 टेबलस्पून तेल। अब सबसे पहले पोहे ड्राई रोस्ट करेंगे। धीमी से मीडियम आंच पे कुरकुरे बनने तक पोहे रोस्ट करने हैं। ये देखिए, पोहे एकदम कुरकुरे बन गए हैं, तो अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। रोस्ट किए पोहे को छलनी से छानना है। अब एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें सूखी प्याज को कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के बाद मूंगफली के दाने फ्राई करेंगे। इन्हें भी कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। अब कैशूज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और अब कढ़ाई में गरम करेंगे 4 टेबलस्पून तेल और उसमें डालेंगे राई, जीरा, साबुत धनिया, हींग, हल्दी पाउडर, सफेद तिल, हरी मिर्च के टुकड़े, कड़ी पत्ता, और आखिर में डालेंगे लहसुन की पेस्ट और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब इसमें डालेंगे पोहे।
अब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए तड़के में पोहे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब इसमें डालेंगे नमक, शक्कर और साइट्रिक एसिड। और सबसे आखिर में डालेंगे सारी फ्राई की हुई चीजें और गैस को करेंगे बंद। एकदम चटपटा, टेस्टी और कुरकुरा चूड़ा रेडी है और बनाने में भी है आसान। तो मैं आशा करती हूँ आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। आपको अगर ये दिवाली सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे जरूर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।